करवा चौथ का त्यौहार हो और मेहंदी का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज हम आ गए हैं मॉल टाउन की मार्केट में, जहाँ लग रही है बहुत ही सुंदर सुंदर मेहंदी। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और लेडी से बात करते हैं कि इस बार कौन सी मेहंदी है जो वो लगवा रहे हैं। हेलो मैम, तो कैसा चल रहा है? पहले तो अपनी एक्साइटमेंट बताइए करवा चौथ को लेकर, कैसी? एक्साइटमेंट बहुत है जी, फुल ऑफ एक्साइटेड। तो इस बार कौन सी मेहंदी लगवा रहे हो, किस तरह की लगवा रहे हो? इस टाइम सिंपल ही लगवा रहे हैं जी। जैसे आप फास्ट रखते हो? हाँ जी फास्ट। तो इसके अलावा मतलब आपके हस्बैंड के इस बार कितनी आपने जेब ढीली करवा दी है, क्या क्या शॉपिंग की है थोड़ा सा बता दीजिए? शॉपिंग जी कपड़ों पे, मेहंदी है और ज्वेलरी वगैरह। क्या पहन रहे हो इस बार? बस साड़ी। साड़ी हर बार साड़ी पहनते हो कि इस बार चेंज किया? डिफरेंट थोड़ा साड़ी। थैंक यू। तो और भी लेडीज़ हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि कितनी एक्साइटमेंट है उनकी करवा चौथ को लेकर। तो मैम कितने एक्साइटमेंट एक्साइटेड हो आप करवा? हाँ, दिस ईयर आई एम वेरी एक्साइटेड। दो साल के बाद इतना जोर शोर से एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग और आई थिंक दिस टाइम बैंगल्स आउटफिट सब नए ही ले रहे हैं तो हम भी वही। तो क्या पहन रहे हो इस बार? दिस टाइम आई एम वेयरिंग अ साड़ी, लास्ट टाइम लहंगा पहना था। ओके, तो कितनी जेब ढीली करवा दी है हस्बैंड की? ये डिक्लोज करना पड़ेगा, उनको भी पता लगना चाहिए। कर ही दिया है 20-30 हज़ार। और भी है, उनसे भी बात करते हैं। तो मैम कौन सी मेहंदी लगवा रहे हो इस बार? हैवी वाली लगवाते हैं। तो आप हर साल इतनी मतलब पूरी बाजू लगवाते हो कि थोड़ी? हाँ जी इतनी लगवाती हूँ। तो इस बार आप क्या पहन रहे हो? मैं वैसे इस बार ही सूट ही पहन रही हूँ। खुद तैयार हो गए क्या पार्लर से? वो टाइम पे पता लगेगा। तो हमारे साथ मेहंदी वाले भैया भी हैं, उनसे बात करते हैं। तो भैया पहले कहाँ से आए हैं बता दीजिए? दिल्ली से आए हैं। तो हर साल आप यहीं आते हैं मेहंदी लगाने के लिए? यही काम है, यहीं पे आते हैं हर साल। तो इस बार कोई नए डिजाइन आए मेहंदी के? हाँ जी, 3D लेटेस्ट डिजाइन में आते हैं। तो इस बार कौन से नए डिजाइन आए? 3D में आते हैं, जो फ्लावर्स वाले गुलाब वगैरह और कमल वगैरह के वो आते हैं। अभी तक कितने मेहंदी के हाथ लगा चुके हो आप? अभी तक ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कम ही है। अभी धूप का टाइम है इसलिए शाम को 8 बजे के बाद होगा जो भी होगा वो। तो मैम एक करवा चौथ को लेकर कितनी एक्साइटमेंट है? या एक्साइटेड लॉट, इट्स अ फेस्टिव कम्स इन अ ईयर। सो यू आर मैरिड और? नो, विदाउट, मतलब बिना मैरिज के आप शुरू से करवा चौथ कर रख रहे हो? मेहंदी लगवाती हूँ, शौक। पास नहीं रखते कभी मन करा तो? कैसा हस्बैंड चाहिए आपको कि आप ऐसे मेहंदी लगवाते हो या करवा चौथ? गॉड हैज डिसाइडेड इट, हु वी आर टू डिसाइड इट। तो मैम करवा चौथ के लिए कैसे कितना एक्साइटेड हो? बहुत। इस बार क्या पहन रहे हो? सूट। सूट पहन रहे हो? तो हर साल सूट पहनते हो कि इस बार कुछ डिफरेंट कर रहे हो? वो शरारे वाला सूट है, शरारा है। शरारे वाला सूट। ठीक है, तो इस बार हस्बैंड का कितना खर्चा करवा दिया? जितना हो जाए खूब करेंगे। तो हस्बैंड का नाम लिखवा रहे हो मेहंदी पे? क्या है नाम उनका? दिलीप कुमार। तो हमारे सर न्यूली मैरिड भी हैं तो उनसे पूछते हैं कि वो कितनी एक्साइटेड है। मैम पहले तो पंजाब केसरी में स्वागत है आपका। तो आपका पहला करवा चौथ लग रहा है? हाँ जी बिल्कुल। तो आप फास्ट रख रहे हो इस बार? बिल्कुल जी रख रहे हैं, एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा। क्या शॉपिंग की है? शॉपिंग बहुत कुछ की है, एक्सेसरीज, ज्वेलरीज, सूट्स, ड्रेसेस, बहुत। फिलहाल लहंगा। तो मेहंदी तो आपने लगवा ली है, तो हस्बैंड का नाम लिखवाया? कितना खर्चा करवाओगे आप इस, मतलब सोचा नहीं अभी, जितना कर देंगे। थैंक यू। तो सर करवा चौथ का त्यौहार है तो कितनी जेब ढीली हो रही है इस बार आप खुद ही देख रहे हो, इट इज लाइक ठीक है बट इट इज रीजनेबल, बट ठीक है 2000 के आसपास। तो करवा चौथ पे वैसे हो जाती है हस्बैंड की जेब ढीली? कोई सूट किसी ने लेना है, कुछ लेना है तो उसमें? नहीं, इट इज़ एक्चुअली मतलब ये त्यौहार है, ऊपर से जेब तो ढीली होनी बनती है, तो ठीक है। हर बार होती है कि इस बार ज़्यादा हो रही है? नहीं हर बार ही होती है, इस बार ही थोड़ी कम हो रही है शायद। कम हो